एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः सोम सोम चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्मी गौतम, प्रवक्ता संस्कृत, जेवी जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना, इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही। मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि छात्र अपनी मातृभाषा में सरलता से तथ्यों को आत्मसात कर लेता है। मातृभाषा केवल भाषा ही नहीं होती, बल्कि संस्कारों को सीखने का माध्यम होती है। भारतीय संस्कृति सामूहिकता, सौंदर्य और संभाव की पोषक है। आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में सामूहिकता एकलता में बदल गई है, सौंदर्य कृत्रिमता में और संभाव द्वेष भाव में बदल गया है। तो संस्कृति को जब हम जानेंगे, तभी तो हम उसे मानेंगे। भारतीय संस्कृति की पोषक विभिन्न कलाएं जैसे योग, संगीत, मूर्तिकला, वास्तुकला, हस्त शिल्प कला इत्यादि में छात्र निपुणता प्राप्त कर सकेंगे। छात्र के मन में संवेदनाओं को उभारने की जो क्षमता ललित कलाओं में है, चाहे वे नृत्य कला में कुचिपुड़ी हो या कथक हो, या चित्रकला में पहाड़ी शैली हो या तंजौर, या फिर बिहार की मधुबनी, ये सभी हमारी संस्कृति को जीवंतता प्रदान करते हैं। धरती माता का अलंकरण करने वाली लोक कला, बंगाल की अल्पना हो या उत्तर प्रदेश का चौकपूरना या फिर राजस्थान का मांडना, ये हमारी धार्मिक भावनाओं को प्रेषित करते हैं। अंत में भाषा, कला और संस्कृति, इन तीनों का प्रकृति से तादात्म्य है। तीनों में ही प्रकृति स्तुत्य है और यही पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी है। अतः ये अवश्य ही सम्मिलित होना चाहिए। जयतु भारतम्।